गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आशा करता हूँ गाइज आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, सभी के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। गाइज कल से बारिश हो रही है हमारे वहाँ, और आज सुबह करीबन 8:15-8:30 बजे बारिश बंद हुई है। अब मौसम कुछ इस तरीके का है, बहुत ही प्यारा सुहावना मौसम है। ये देखिए मस्त व्यू आ रहा है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है मस्त। पास में मेरी मकाई लगी हुई है, मस्त लग रहा है। और गाइस कल बारिश की वजह से एक पोपट हो गया, जानते हो क्या? क्योंकि घर में अभी बहुत कुछ अव्यवस्थित है मामला, और अभी कुछ काम होने को शेष रह गया है, तो काम शेष होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें परेशानियां उठानी पड़ जाती हैं। अब कल बारिश हुई है तो जीना के ऊपर स्लेप नहीं पड़ी हुई थी, तो पानी सारा जीना की वजह से नीचे आ गया है, और पूरे बरामदे पूरे घर में पानी ही पानी हो गया है। गाइस आप ये देखिए, ये देखिए ये जीना है, चल के दिखाते हैं आपको। ये जीना है, इसके ऊपर गाइस स्लेप नहीं पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं स्लेप नहीं पड़ी हुई है। इस समय वर्तमान में छत के ऊपर आ गए हैं, और छत का व्यू कुछ इस तरीके का है, मस्त मस्त हल्की हल्की हवा चल रही है और फाहा पड़ रहा है, हल्की हल्की बरसात हो रही है, चारों तरफ पानी ही पानी हो गया है। गाइस आप देख सकते हैं गन्ने में पानी सब भर गया है, खेतों में पानी भर गया है, और ये पास पड़ोस में मकान तैयार हो रहे हैं, आज काम इनमें रोक दिया गया है, तो आज काम नहीं हो रहा है। और सामने का गाइस कुछ व्यू इस तरीके का है, ये देखिए ये मकान के फ्रंट का है, छत से आपको दिखा रहे हैं, और ये मकाई लगी है हमारी पास में, यहां से लगाकर वहां तक ये मकाई ही मकाई है। तो और इसमें गाइस फूट है, फूट ककड़ी, तो सुबह सुबह रोज ककड़ी निकल आती हैं, और कुछ तुरई के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर, मस्त हरी सब्जी भी मिल जाती है, तो गाइज यहाँ प्राकृतिक आनंद मिल जाता है। और इस पर स्लेब डलवाना है, स्लेब जब पड़ जाएगी तब इसमें पानी अंदर नहीं जाएगा, और ये स्लेब पड़ेगी इसमें रसोई बनना है। गाइज जब छत के ऊपर खड़े होते हैं तो यहाँ से काफी दूर तक रोड दिखती रहती है, ये देखिए काफी दूर तक दिखाई पड़ता रहता है। ये सामने पेड़ है तो इधर तो कम दिखाई पड़ता है, लेकिन इधर गाइस काफी दूर तक दिखाई पड़ता रहता है। पास में गांव है एक हरिरामपुर, हरिरामपुर तक दिखाई देता रहता है। और गाइस इसपे ये जीना वाला एरिया है, तो इसपे स्लेब पड़ना है, इसपे स्लेब पड़ेगा, और गाइस ये किचन बनेगा, पिलर खड़े हो गए हैं, ये किचन बनेगा। तो गाइज जीने का और किचन का एक साथ में स्लेब डलवा देंगे, ये जीना वाला एरिया हो गया और ये किचन का एरिया हो जाएगा। पिलर तो हमने खड़े करवा दिए थे, दोनों पिलर इधर खड़े हैं, इधर तो पहले जीना वाला है ही, तो एक साथ में स्लेब पड़ जाएगा, यहाँ पर गेट हो जाएगा, और किचन और जीना एक पास में हो जाएगा, तो पानी वाला झंझट खत्म हो जाएगा, पानी घर के अंदर नहीं जा पाएगा। और यहाँ पर काफी सारी लकड़ियां लगा दी गई थी, यहाँ पर चूल्हा रखा हुआ है मिट्टी वाला, तो मस्त जब भी चूल्हे की रोटी खानी होती है तो मम्मी मस्त मोटी मोटी रोटी और मीठी मीठी मस्त बनाती हैं और खाते हैं, क्यों सूर्यांश?
अच्छा लगता है। तो अब ये एरिया कवर्ड कराना पड़ेगा जल्दी ही जल्दी, क्योंकि बरसात के मौसम में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। अब देखिए गाइस, ये यहाँ पर पानी सब भर गया है और फिलहाल रसोई का इंतजाम यहाँ पर किया गया है, गैस गैस पे खाना बन रहा है और इधर से ले जाकर उधर से ले जाकर और यहाँ पर पानी सब इकट्ठा करके इस टब में भरा जा रहा है और हिमानी पानी भर रही है और दृष्टि सहयोग करा रही है। तो ये पानी ले जाकर बाहर डाला जाता है। क्यों सूर्यांश, तुम भी सहयोग करा देते जल्दी भर जाता पानी, है ना? तो अब ये सब अव्यवस्थित मामला है तो इसको कंप्लीट कराना पड़ेगा। बाकी तो खैर सब व्यवस्थित है, सब ठीक ठाक है। और अभी एक और दिक्कत है, अभी शौचालय मेरा नहीं कंप्लीट है, मिस्त्री की के चक्कर में शौचालय का काम रुकवा दिया गया था। फिलहाल इसमें सारा कुछ कबाड़ भर गया है, ये देखिए सारा कुछ कबाड़ भरा हुआ है। तो ये कंप्लीट कराना है, दो बहुत इम्पोर्टेंट काम है गाइज। तो गाइज एक साथ में तो सारा कुछ संभव नहीं होता है, धीरे धीरे ही बन पाता है। तो काम चल रहा है और काम जैसे ही समाप्त होता है सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा, तब सारी दिक्कतें परेशानियां खत्म हो जाएंगी, है ना सुरेंद्र? ठीक है, व्यवस्थित हो जाएगा, बाकी तो सारा कुछ सब मेंटेन है ही, है ना, रहने वाला है ही, बस बरसात होती है तो दिक्कत हो जाती है। तो जल्दी ही से जल्दी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। फिलहाल गाइज भोजन करने का वक्त हो गया है, इस समय 10:30 बज गया है। आज बारिश की वजह से काफी लेट हो गए भोजन करने में, तो आप जल्दी जल्दी भोजन करते हैं, तहसील पहुंचना है। तो गाइज खाना आ गया है, चावल रोटी और पनीर सब्जी और सूखी पनीर सब्जी। तो इस समय पापा तो अब मेडिकल पर हैं, तो पापा को बुलाने के लिए दृष्टि गई है और हम और शिवा एक साथ में भोजन कर रहे हैं। पापा आएंगे अभी तब भोजन करेंगे। सूर्यांश भी आ गया है भोजन करने के लिए एक साथ में, है ना सूर्यांश? गाइज अभिजीत और सूर्यांश एक साथ ही भोजन करते हैं बैठकर। थोड़ी देर हो गई अभिजीत को, तब तक सूर्यांश रुका रहा, खाना नहीं खाया है, अब खाना खाना स्टार्ट किया है अभिजीत और सूर्यांश। क्यों अभिजीत? सभी यही जान रहे होंगे कि हम बाइक से कहीं जा रहे हैं, लेकिन हम बाइक से जा नहीं रहे हैं, इस समय बरसात हो रही है, ये देखिए बरसात हो रही है। और हम पापा जी, शिवा, हिमानी, सूर्यांश सभी लोग मिलकर ये चीना वाली छत बना रहे थे। ये छत बन गई है, छत बन गई है और बेहतर तरीके से अब पानी कम आएगा, क्योंकि ये टीना छत के ऊपर रखी थी, पाप को बेच रखी थी। तो हमने सोचा, पापा ने सोचा कि इसको अगर जीना के ऊपर रख दिया जाए तो पानी नीचे कम आएगा, आएगा फिर भी, क्योंकि टीना का सेटिंग बेहतर तरीके से नहीं हो पाया है। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये एरिया खुला हुआ है और इधर का एरिया खुला हुआ है, तो इस वजह से बेहतर सेटिंग नहीं हो पाई है। पर उस तो गनीमत हो गई, अब पानी उतना नहीं आ पाएगा जितना पहले आ जाता था, क्यों सूर्यांश, है ना? तो पापा भी भीग गए हैं, पापा वहां से देख रहे हैं, ये टीना यहाँ पर थोड़ा सा फूटा हुआ है तो पानी नीचे आ रहा है, ये देखिए जीने के ऊपर पानी आ रहा है। लेकिन अब सेकंड गाइस, अब पूरी एरिया से पानी नहीं आएगा, अब जहाँ पर टीना थोड़ा सा टूटा फूटा है वहीं से पानी नीचे गिरेगा। पापा यहाँ से पानी निकलता रहेगा, बाकी तो खैर नहीं आएगा, बारिश बहुत जोर से हो रही है। सूर्यांश नहाओगे बारिश में? नहा लो। अभिजीत नहीं, कोई नहीं नहाएगा इस बारिश में, है ना? हाँ, कोई भी नहीं नहाएगा। ये देखो कपड़ा भी निकाल के आ गया है नहाने के लिए। तो यहीं से तुमको यहाँ से उतार दें, यहाँ से उतार दें, आराम से जाओ नहाओ जाके, है ना?
छत पर नहाओगे। पापा ने एक कृत्रिम उपाय ढूंढ लिया है, अब इसमें पानी सब भर जाएगा। यहाँ पर टूटा है और अब इसमें पानी भर जाएगा। जब ये भर जाएगा सब, तो इसको उठा के और इसी जगह से पानी बाहर डाल देंगे। बहुत जोर से बारिश हो रही है। ये देखो नहाने चला गया। इस समय तहसील से हम वापस आ चुके हैं और घर पर हम और शिवा अब मार्केट जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। सब्जी भी खरीदना है, सब्जी भी खरीद लाते हैं और मार्केट खो के वापस आते हैं। चले शिवा। ओ भाई शिवा, हमें लग रहा आज मार्केट बहुत कम लगी हुई है, बहुत कम दुकानें लगी हैं। यह आम अच्छे नहीं हैं, चलो दूसरी वाली दुकान से लेते हैं। भाई इस पन्नी में 2 किलो आम आने वाले थे, 5 किलो भर दियो, फट तो जाएगी, फट गई, दूसरी पन्नी दो। इस समय 9:30 बज गया है और गाइस आज का मौसम बहुत ही प्यारा सुहावना रहा है, मस्त धीरे धीरे करके बारिश होती रही, मधुर मधुर बारिश हुई है। तो गाइस आज का मौसम बहुत ही शीतलता वाला रहा, तो इसी सिलसिले में मैं लहरपुर तक गया और बारिश के चक्कर में घर पहुंचते पहुंचते देर हो गई थी। तो हमको फिर मार्केट जाना था, मार्केट से आम लाना था, तो हम और शिवा पास में महादेव ओठरा पड़ता है तो वहाँ मार्केट चले गए आम लेने के लिए। खैर बारिश के चक्कर में कुछ 20 या 25 दुकानें ही लगी थी, जबकि महादेव ओठरा की काफ़ी बड़ी मार्केट लगती है। तो खैर हम जिस उद्देश्य से गए थे मेरा उद्देश्य पूरा हो गया, 2-3 दुकान आम की लगी थी, तो एक दुकान पर आम मुझे अच्छा मिल गया और सही रेट में भी मिल गया। गाइस डाल का आम 20 रुपीज प्रति किलो के हिसाब से मिल गया और इस समय देखा जाए तो आम सभी लोगों को बहुत ही प्रिय है और फलों का राजा आम होता है। गाइस आप लोगों को भी पसंद होगा और मेरे परिवार में भी सभी लोगों को आम पसंद है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आम प्रत्येक दिन लेके आता हूँ। गाइस सभी लोग आम खाए हैं, भोजन किया है और मस्त आराम कर रहे हैं, तो मैं भी इस ब्लॉग की एडिटिंग करूंगा, उसके बाद में सोऊंगा। तो इस ब्लॉग को एंड करता हूं। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।